Today we are going to start our chapter number 22, that is perimeter, area and volume. In this video we will discuss about the perimeter first. Then what is the perimeter? In previous classes you have learned that perimeter it is the sum of the length of all the sides. Suppose aapko agar perimeter nikalna hai triangle ka. ओके इफ यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल तो आपकी जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स होती हैं सपोज ए बी सी एक ट्रायंगल है सो व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मीन्स तीनों साइड्स का जो लेंथ का सम होगा दैट विल बी योर पैरामीटर दिस इज योर पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल Similarly, if you have to find the perimeter of an equilateral triangle, we have already learned that equilateral triangle कौन सी होती है जिसकी all the three sides are same. This means एक triangle है like A, B, C. Equilateral triangle में तीनों length sides की जो length है वो same रहेगी. So हमें पता है एक triangle का area क्या होता है sum of all the three sides. अगर तीनों length साइड्स की लेंथ ही सेम है सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑल द थ्री आर सेम तो मैं तीनों को ए बी लिख सकती हूँ ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी क्योंकि सपोज अगर 2 सेंटीमीटर ए बी है तो बी सी इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर ए सी इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर तो मैं सभी को सेम ही नेम दे दूंगी दैट इज ए बी सो आई कैन राइट इट एज 3 AB मीन्स जब भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करना है वी मल्टीप्लाई द साइड विद 3 यानी 3 मल्टीप्लाई साइड 3 इनटू साइड दिस इज द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इज सर्कल ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द पैरेललोग्राम्स मीन्स रेक्टेंगल के बारे में भी हमने बात की थी इन रेक्टेंगल रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स इफ इट इज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी तो रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स ए बी साइड इज इक्वल टू सी डी मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपोजिट साइड्स आर इक्वल भी होती हैं एंड पार्लर भी होती हैं हेयर वी नीड की इक्वल होनी चाहिए दीज आर द इक्वल और पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी दिस इज द पैरामीटर दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स बट हमें पता है ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो हम सी डी की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं सी डी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी एज इट इज क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो आई कैन रिप्लेस सी डी विथ ए बी सिमिलरली ए डी किस प्लेस पे हम बी सी लिख सकते हैं अब यहाँ पे 2 AB हो गए एंड 2 BC सो आई कैन राइट इट एज 2 AB प्लस बी सी क्योंकि 2 AB एंड 2 BC सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास 2 AB प्लस बी सी हमें पता है ए बी इज द लेंथ एंड बी सी इट इज द ब्रेड तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 × L + B मीन्स 2 × लेंथ प्लस ब्रेड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पैरामीटर ऑफ एन रेक्टेंगल नेक्स्ट इज द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वेयर वी नो अबाउट द स्क्वेयर दैट इन स्क्वेयर ऑल द 4 sides आर इक्वल ऑल 4 sides आर इक्वल इन द केस ऑफ अ स्क्वेयर तो सपोज आई हैव अ स्क्वेयर ए B, C, D. All the sides of square are equal. तो AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. क्योंकि square की चारों sides की length हमेशा same रहती है, equal रहती है. So हमें पता है perimeter किसी भी figure का क्या होता है? It is the sum of all the length. The means to find the perimeter, AB plus BC plus CD plus AD. दिस इज द पैरामीटर हमें पता है ऑल द 4 sides आर इक्वल तो मैं सारे की जगह पे ए बी लिख सकती हूँ लाइक बी सी को भी मैं ए बी लिख सकती हूँ क्योंकि वो इक्वल है सिमिलरली सी डी कैन ऑल्सो भी रिटर्न ए बी क्योंकि वो इक्वल है सेम लेंथ है ए डी इज ऑल्सो ए बी सो जो इक्वल है हम उनको सबको ए बी से रिप्लेस करें सो इट हैज बिकम 4 AB 4 AB मीन्स आई कैन राइट इट एज ए 4 × साइड क्योंकि ए बी जो है वो
AB is a side of square. So formula is 4 multiply side. 4 multiply side is the formula for perimeter of a square. Now we will do some questions which are related to the concept of perimeter. A rectangular park has length 30 meter and breadth 22 meter. Means there is a park whose length 30 meter and breadth 22 meter. How much distance does Rahul cover to complete 3 rounds of the park? Means if Rahul covers do the 3 rounds, then how much distance will it cover? Hame pata hai ki if it's a rectangular park, park is in the shape of a rectangular. So means if he covers the one round means complete if he starts from the point A and finish up to the point B. So he will cover these all the 4 points. This is the perimeter. So means jo distance Rahul cover karega that will be equals to the perimeter. So first we will find the perimeter. Park is rectangular. We know the formula for rectangular park is 2 length plus breadth. 2 length is 30 meter and breadth is 22 meter. So when we solve it, 2 multiply 52 meter, that is 104 meter. So means agar Rahul A point se start okay, he will finish up to the point again A. He'll come to the point A. Is equal to the perimeter. So perimeter is 104 meter. Means one round ka distance hai 104 meter. And Rahul is covering 3 rounds. So 3 rounds mein Rahul kitna distance travel karega? That is 104 meter multiply 3. So that is equal to 312 meter. So in all the 3 rounds, Rahul will cover a distance of 312 meter. Next question is that find the cost of fencing a square park of side 110 meter. Means there is a square park, means square a park hai which is in the form of a square and side is 110 meter. Aur hame pata hai square ki all 4 sides are same. So every side is 110 meter because it's a square. Find the cost of fencing means ek square park ke charo taraf aapko fencing karni hai. Fencing karoge to it means you need to be know the kitna total length hai. So for the total length what we will do, we will find the perimeter. So perimeter is 4 multiply side. We know for the formula that to find the perimeter of a square, formula is 4 into side. So 4 into 110 meter, that is equals to 440 meter. Means total jo length hai jitni fencing required hai, that is 440 meter. Now we have to find the cost at the rate of rupees 15 per meter. Means fencing ki cost kya hai? Rupees 15. Matlab 1 meter ko fencing karne ke liye cost chahiye, that is 15 rupees 15. So total length is 440 meter. So 440 meter ko fencing karne ke liye hame kitne money lagegi? That is 15 multiply 440. When we solve it, answer is rupees 6600. Means first we find the perimeter ki total length kitni hai fencing ke liye. Total length is 440 meter. Aur 1 meter ko per meter means 1 meter ki fencing ke rate hai rupees 15. To 440 meter ki fencing ka kitna rate ho jayega? That is 15 into 440. Rupees 6600 is the rate for the fencing for 440 meter.